पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश व नगर पुलिस अधीक्षक फूल सिंह परस्ते के मार्गदर्शन में आदतन गुंडे व बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी नीमच केन राजे नरवरिया के निर्देशन में उप निरीक्षक आरिस भाबर द्वारा 4 माह से फरार चल रहे थाना क्षेत्र के आदतन तथा जिला बदर बदमाश सलीम उर्फ बैटरी उर्फ दाढ़ी पिता मोहम्मद हबीब निवासी चूड़ी गली नीमच को गिरफ्तार किया गया। फरियादी राकेश पिता मुन्नालाल ग्वाला निवासी ग्वाल टोली नीमच के द्वारा थाना नीमच केंद्र पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी सलीम उर्फ बैटरी उर्फ दाढ़ी उर्फ गुडलक द्वारा जिला बदर के प्रकरण में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 285 धारा 195A भावी का अपराध पंजीकृत किया गया था। बदमाश घटना दिनांक से फरार चल रहा था तथा श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा 1 वर्ष के लिए जिला बदर भी किया गया था। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक को आदतन बदमाश सलीम उर्फ बैटरी उर्फ दाढ़ी उर्फ गुडलक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।